हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे हेयर से रिलेटेड DIY डाले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी आ गया है विंटर, तो विंटर के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस ला रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है विंटर में आप किस तरीके का हेयर पैक यूज़ करें ताकि आपके जो हेयर है वो ज़्यादा ड्राई ना हो, फ्रिजी ना हो, उनमें डैंड्रफ ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको विंटर स्पेशल हेयर मास्क बताने वाली हूँ जो कि आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं, सिल्की रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं आखिर हम इस हेयर मास्क को किस तरीके से बनाएंगे एंड किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्यूटीज़, यहाँ पे हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे बनाना। बनाना को आपको आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। छोटी हेयर लेंथ है तो एक, बड़ी है तो दो। उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए कोकोनट ऑयल। आप अगर यहाँ पे कोकोनट वर्जन ऑयल यूज़ करें तो वो बेटर है। लास्ट में आपको यहाँ पे चाहिए हनी। हनी आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़े बोल में बनाना को अच्छी तरीके से छील के उसे आपको मैश कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगी कि आप इसे ग्राइंडर में अच्छे से स्मूथली इसको पीस ले ताकि इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाए, या फिर आप इस तरीके से फोक की हेल्प से भी इसे अच्छी तरीके से स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इन सारे मिक्सचर को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से स्मूथ पेस्ट में भी बना सकते हैं, जो प्रोसेस यहाँ मैं बोल में कर रही हूँ, क्योंकि उससे जो आपका पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और हेयर में अप्लाई करना एंड उसे रिमूव करना भी ईजी रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्पून हनी ऐड करना है एंड देन यहाँ पर आपको एक स्पून कोकोनट ऑयल को इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद इन सब को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये जो पेस्ट है या जो ये पैक है जो आपको हेयर में लगाना है वो काफ़ी स्मूथ रहे। तो आप इसे या तो फोक की हेल्प से करें या मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से करें। आपको बस इस पैक की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल स्मूथ रखना है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इन सारे पेस्ट को मिक्सर ग्राइंडर में एक बार अच्छे से चला लें ताकि ये स्मूथ बन जाए। तो इसके बाद हम इस पैक को अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे पहले आप मेरे हेयर की कंडीशन देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा फ्रिजी है, रफ़ है एंड विंटर में आपके हेयर और भी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो अभी आप मेरे हेयर की हालत देख सकते हैं बट ये ऐसे अब नहीं रहने वाले। तो चलिए फिर अब हम अपने हेयर पर पैक को अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो पैक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपको आपके हेयर में अच्छी तरीके से पार्टीशन करना है और अपने हेयर के जड़ों में सबसे पहले पैक को लगाना है, क्योंकि जो आपकी हेयर की जड़ें होती हैं उसमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम या फिर एक्स्ट्रा ऑयलिंग की प्रॉब्लम ये सब होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने हेयर रूट में इस पैक को अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से जैसे मैं पार्टीशन करके यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस हेयर पैक को आपकी हेयर लेंथ में यूज़ करना है एंड यस, हेयर टिप को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि हेयर टिप में स्प्लिट एंड जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे हेयर लेंथ में अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मेरे हेयर को टाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट बच गया है उसको मैंने मेरे हेयर में इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी एंड इसको वॉश करूँगी 20 मिनट्स के बाद। इसको वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आप अच्छी तरीके से वॉश करेंगे तो हो जाएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे मेरे जो हेयर है वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जब आप इस पैक को अप्लाई करते हैं। आपके हेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। तो इस विंटर हेयर पैक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड ट्राई करने के बाद मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप ब्यूटीज़, आपको ये हेयर मास्क ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।